कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इतने दिनों से भिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, भिन्न संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, और आज हम भिन्न संख्याओं का भाग कैसे करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए भिन्न संख्या है 3/5 भाग 3/15, यानी कि हम ये हमारी पहली भिन्न हो गई। और 3/15 हमारी दूसरी भिन्न हो गई, यानी दूसरी भिन्न का भाग हमें पहली भिन्न के अंदर लगाना है। तो इसका क्या नियम है, किस प्रकार हम भाग लगा सकते हैं? तो आपको पता है कि हम किसी भी, जैसे संख्या लिखी मैंने 16/12, या ऐसे मान लीजिए 8/4, और एक संख्या मैंने लिखी 2/16, ये भिन्न संख्या है। ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली हर है। तो आपको पता है कि हम हर संख्या का भाग अंश में लगाते हैं, हर संख्या का भाग अंश में लगाते हैं। जैसे हमने 4 का भाग 8 में लगाया, तो आपको पता है कि 4 × 8, ये 2 बार गया। अब जैसे कि इसमें अंश 2 है, यानी अंश 2 और हर 16। अब 16 का भाग हम 2 में नहीं लगा सकते, 16 संख्या क्या है यहाँ पे बड़ी है, तो ऊपर अंश 2 है, तो हम इस भिन्न के अंदर अंश का भाग भी हर के अंदर लगा सकते हैं, अंश का भाग भी हर के अंदर लगा सकते हैं। तो आपको जैसे भाग लगाया 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, इसका आंसर आया हमारे पास 1/8। कहने का मतलब ये है कि हम भिन्न संख्या के अंदर हर का भाग अंश में लगा सकते हैं और अंश का भाग भी हम हर के अंदर लगा सकते हैं। यही इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए आपको सवाल करने कैसे हैं। सबसे पहले जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि भिन्न संख्याओं में हर का भाग अंश में, और अंश का भाग हर में लगा सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे हर का भाग अंश में लगा सकते हो और अंश का भाग हर में लगा सकते हैं। अब इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न में भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे और चिन्ह के बाद वाली भिन्न संख्या अपना स्थान बदल लेगी, यानी भाग के चिन्ह को पहले हम गुणा के चिन्ह बदल देंगे और फिर अगर चिन्ह के बाद में जो भिन्न संख्या लिखी हुई है वह अपना स्थान बदल लेगी। जैसे
अंश वाली भरपर, अंश वाली भरपर और हर वाली अंश पर चली जाएगी। अब इसी भाषा को हम सवाल के रूप में देखते हैं, जैसे उदाहरण, मान लीजिए मैंने सवाल लिखा 3/15 भाग का चिन्ह, अठारह बट्टा पंद्रह, यानी 3/5 फिर भाग का चिन्ह है, 18/15 यानी आपको 18/15 का भाग 3/5 में लगाना है। तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया, ये जो पहली भिन्न है हमारी, इस भिन्न को तो हम वैसे का वैसा ही नीचे लिख देंगे 3/5, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया अभी, इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, तो भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह बदल जाएगा, तो हम भाग के चिन्ह को बना दिया गुणा का चिन्ह। नंबर दो, सब आपको तो विशेष चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चिन्ह के बाद वाली जो संख्या है यानी 18/15, यह अपना स्थान बदल लेगी, अंश वाली हर पे चली जाएगी और हर वाली अंश पे चली जाएगी। तो 15 आ गया अंश पर, 18 हो गया हर पर, यानी जो अंश था वो हर हो गया, जो हर है वो अंश हो गया। अब आप जैसे हमने कल जो गुणा वाला जो तरीका किया था, वो तरीका आप अब यहाँ पे अपना सकते हो। आपको देखना है कि भाग लग रहा है क्या अंश का हर में या हर का अंश में, नहीं तो तिरछा भाग देखिए, तिरछा भाग लग रहा है क्या, तो तिरछा देखिए। 3/18 यानी 3/18 हम 18 में लगा सकते हैं, तो 3 × 3, 3 × 18, फिर 5 × 15, 5 × 5 और 5 × 15, तो हमारे पास संख्या बची 1/1 × 3/6। अब अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को कर देंगे, तो 3 × 3, 3 × 6। अब देखो 3 और 6 भी अपने पाड़े में कट रहे हैं, तो 3 × 3, 3 × 6, तो आपका आंसर हो गया 1/2, और ये आपका उत्तर है। और इसी प्रकार से आप किसी भी संख्याओं का हल कर सकते हैं। हम एक उदाहरण और करते हैं अभी यहाँ पे, मान लीजिए नंबर लिखा मैंने 9/27, 9/27 और यहाँ लिख दिया मैंने 9/3, 9/3। अब जैसे ये पहली भिन्न है, पहली भिन्न को तो आपको वैसे का वैसे ही उतारना है 9/27, फिर भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना है, ये हमने गुणा के चिन्ह में बदल दिया। अब चिन्ह के जो बाद वाली संख्या है 9/3, ये अपना स्थान बदल लेगी, अंश वाली हर पे, हर वाली अंश पे, तो ये अंश बन गया हर और हर बन गया अंश, उल्टा कर दिया। अब वही तरीका देखने आपको भाग लग रहा है क्या, अगर तिरछा भाग हम लगाएं तो देखिए 9 से 9 कट गया आपस, 9 से 9 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब 3/27 में 3 × 3, 3 × 9 = 27, अब हमारी संख्या क्या बची हमारे पास, अगर 9 का भाग 9 में लगाते तो 1 बढ़ जाएगा, तो ऊपर तो रह गया 1 × 1, नीचे यहाँ 9 है तो हमने 9 को उतार दिया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 9 का 9 अपने स्थान पर, और ये आपका उत्तर। आप इसी प्रकार से आप किसी भी दो भिन्न संख्याओं का आपस में भाग लगा सकते हैं। ये दो उदाहरण मैंने आपको बताए, ये दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आप घर पर बैठिए और इसका अभ्यास कीजिए। और इनको